सन 1983 में एक रात सुरेश वर्मा, जो कि आगरा के एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, वो अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनके 3-4 बार हॉर्न बजाने पे भी कोई उनके बंगले से बाहर नहीं आया। अब जब वो गेट खोलने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि 2 लोग बंदूक लेकर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन 2 लोग में से एक ने बंदूक चला दी और वो गोली सीधे जाके सुरेश वर्मा के सर पे जा लगी, जिसके चलते मौके पे ही उनकी मौत हो गई। अब ये 2 लोग कौन थे जिन्होंने कि सुरेश वर्मा को मार डाला, इस बात का पता उनके परिवार वालों को नहीं चल पाया, क्योंकि सबको यही लगा कि ये राज सुरेश के साथ ही चला गया। लेकिन फिर 5 साल बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो कि सुरेश के परिवार के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड था। सुरेश की मौत के 5 साल बाद एक 4 साल का गरीब बच्चा उनके पास आता है और खुद को सुरेश वर्मा बताता है। अब आखिर इस इंसिडेंट का क्या मतलब था? क्या सच में ये सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म था या फिर वो बच्चा झूठ बोल रहा था? आइए जानते हैं इस इंसिडेंट की पूरी सच्चाई। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स, चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1983 में उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम उसके घर वालों ने तोरण सिंह रखा और प्यार से उसे टीटू बुलाया करते थे। 6 भाई बहनों में टीटू सबसे छोटा भाई था और उनका परिवार आगरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर बाड़ नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। अब जब टीटू 2 साल का हुआ तो वो अजीब बातें करने लगा। वो कहने लगा, ये मेरा घर नहीं है, आप लोग कौन हैं? आप मेरे माता पिता नहीं हैं, और मेरा नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश है, और मैं खुद बीवी बच्चों वाला हूँ। यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक तक उड़ाया। वो कहने लगा कि मेरे पास खूब पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अब अगर कोई भी बच्चा ऐसी बातें करेगा तो उसके माँ बाप तो परेशान होंगे ही। तब उसके परिवार वाले सोचने लगे कि टीटू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है और उसकी ऐसी बातें करने के पीछे का आखिर राज क्या है। पहले तो उन्हें लगा कि टीटू मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका बर्ताव और अजीब होने लगा। 4 साल का होते होते वो रोज अपने घर वालों से आगरा जाने की जिद करता रहता, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात टाल दिया करते। एक बार उसके पिता किसी काम से आगरा गए, लेकिन उन्होंने ये बात टीटू को नहीं बताई। जब टीटू को ये बात पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया। फिर उसे शांत करने के लिए उसके बड़े भाई अशोक ने उससे पूछा कि वो आगरा क्यों जाना चाहता है, तो टीटू ने उसे बताया कि उसका आगरा में एक बहुत बड़ा घर है जहां उसके परिवार वाले रहते हैं, वो बस उनसे मिलना चाहता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने ये भी बताया कि आगरा में उसकी सुरेश रेडियोस करके एक दुकान भी है। अब ये सब इतना डिटेल में सुन के अशोक एकदम से शॉक्ड हो गया और उसने फैसला किया कि वो आगरा जाएगा। लेकिन जब वो आगरा गया तो उसे कुछ ऐसी बातें पता चली कि वो हैरान रह गया। आगरा के बिजी मॉल रोड पे चलते हुए अशोक को एक रेडियो की दुकान दिखी जिसपे कि सुरेश रेडियोस लिखा हुआ था, और ये वही जगह और वही नाम था जिसका जिक्र टीटू ने किया था। अब अशोक उस दुकान के अंदर जाता है तो वहां उसे एक विधवा औरत दिखाई देती है, जिससे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो औरत उमा वर्मा है, जो कि सुरेश वर्मा की बीवी है, और सुरेश वर्मा वो व्यक्ति है जिसका 5 साल पहले देहांत हो गया था। अब बातों ही बातों में अशोक उमा को अपने भाई की कंडीशन के बारे में बताता है, जिसे सुन के अब दोनों के ही मन में कई सारे सवाल पनपने लगते हैं, जैसे कि क्या टीटू सच में सुरेश है, क्या सुरेश सच में पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। अब इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अगले ही दिन उमा अपने पूरे परिवार के साथ टीटू के गांव चली गई उससे मिलने। अब जैसे ही टीटू ने उसे देखा वो भाग के उसके पास आया, साथ ही साथ टीटू ने देखा कि उमा मारुति की गाड़ी में वहां आई थी। इस बात पे टीटू को गुस्सा आया और उसने सुरेश के भाई से पूछा कि मेरी फियाट कहाँ है। अब जिस गाड़ी की टीटू बात कर रहा था वो गाड़ी उसके घर वालों ने सुरेश की मौत के बाद बेच दी थी, लेकिन अब सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि इस छोटे से बच्चे टीटू को उस गाड़ी के बारे में आखिर कैसे पता है भला। अब इसके बाद होता यह है कि टीटू बड़े प्यार से सुरेश के परिवार से मिलता है और उमा से पूछता है कि उसके बच्चे कैसे हैं। अब टीटू के परिवार के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि जिन बातों को वो टीटू का बचपना समझते आ रहे थे वो बातें अब सच साबित हो रही थी। अब ये सब इंसिडेंट्स के बाद जो टीटू की कहानी थी वो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गई। दिल्ली में रीइंकार्नेशन पे रिसर्च कर रही एंटोनिया मिल्स के कानों तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने अपने कलीग
साइकेट्रिक प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन को ये बात बताई, जो कि रीइंकार्नेशन रिसर्च के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे, और उनकी एडवाइस पे ही अब एंटोनिया ने इस केस को पर्सनली स्टडी करना शुरू किया। अब टीटू के केस पे रिसर्च करने के लिए एंटोनिया उनके परिवार के साथ आगरा चली गई। आगरा आते ही टीटू ने सुरेश की दुकान और घर का एड्रेस एकदम सही बताया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने बताया कि जो आंगन में पेड़ है उसके नीचे उसने सोने के सिक्के छिपाए थे। जब उन्होंने आंगन के पेड़ के नीचे खोदा तो सच में उन्हें सोने के सिक्के बरामद हुए, जिसपे कि सुरेश के परिवार को पूरा यकीन हो गया कि टीटू ही उनका बेटा सुरेश है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये सब इंसिडेंट्स और टीटू की मेमोरीज रीइंकार्नेशन को प्रूफ करने के लिए इनफ हैं? वेल, यही पता करने के लिए एंटोनिया टीटू को काफी करीब से स्टडी करने लगी। सुरेश के परिवार वालों ने एंटोनिया को बताया कि सुरेश काफी ज्यादा गुस्सैल मिजाज का व्यक्ति था, और लड़ाई झगड़ा खून खराबा उसके लिए आम बात थी, और यही सेम बिहेवियर टीटू का भी था। अब जब एक दिन एंटोनिया, टीटू और उसके परिवार वाले आगरा के एक बाजार से गुजर रहे थे, तो एंटोनिया ने बैंगल्स लिए, एंड जैसे ही वो दुकान वाले को पैसे देने जा रही थी तो टीटू ने उसे रोक लिया और दुकानदार को धमकी देने लगा कि एंटोनिया उसकी मेहमान है और अगर वो उससे पैसे लेता है तो वो उसे गोली मार देगा। एंटोनिया ने इस वारदात को काफी बारीकी से अपने रिसर्च पेपर में भी मेंशन किया है। एंटोनिया का कहना था कि टीटू का सुरेश से मिलता बिहेवियर रीइंकार्नेशन की थियोरी को और भी ज्यादा सपोर्ट करता है। और अब टीटू ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से ये केस काफी ज्यादा फेमस हो गया और मीडिया की हेडलाइन बन बैठा। टीटू ने बताया कि उसका खून, या कहें सुरेश का खून, उसके साथ बिजनेस कर रहे एक आदमी ने करवाया था। अब जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो इस बात का इतना बड़ा बवाल बनाया गया कि सुरेश मर्डर केस को रीओपन करना पड़ा, और भारत के इतिहास में पहली बार एक 4 साल के बच्चे को अपने पिछले जन्म के खूनी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश किया गया। इस केस की सुनवाई आगरा के कोर्ट में हुई, जहां टीटू ने उस रात की वारदात को एक एक डिटेल के साथ कोर्ट में दोहराया कि कैसे उसके सर के एक दाहिने हिस्से में गोली लगने से उसकी मौत हुई। जब कोर्ट ने सुरेश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगवाई तो उसमें भी टीटू की सभी बातें सच साबित हुई। अब एंटोनिया मिल्स के रिसर्च पेपर को भी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें कि टीटू के सर पे एक बर्थ मार्क के बारे में मेंशन किया गया था, जो कि गोली के निशान की तरह ही दिख रहा था, एंड वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे था जहां सुरेश को गोली लगी थी, जिसने कि ये प्रूव किया कि टीटू सच में सुरेश वर्मा का रीइंकार्नेशन है। जिसके बाद कोर्ट को टीटू की बात को सच मानना पड़ा और सुरेश वर्मा के असली कातिलों को सजा सुनाई गई। अब आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट ने इस केस का सही फैसला सुनाया? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको देश के सबसे बड़े स्कैम के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।